नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में बुधवार शाम इस्कॉन मंदिर की ओर से निकाली जा रही जगन्नाथ यात्रा का रथ हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इससे दो बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग झुलस गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने हादसे में 22 लोगों की मौत की बात कही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक ये हादसा उल्टा रथ यात्रा उत्सव के दौरान कुमारघाट इलाके में शाम 4:30 बजे हुआ। श्रद्धालु लोहे से बने रथ को खींच रहे थे, इसी दौरान रथ 133 केवी ओवरहेड केबल के संपर्क में आ गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रथ बिजली के तार के संपर्क में कैसे आया। कुमारघाट सब डिवीजन अस्पताल के मेडिकल अधिकारी डॉक्टर संजीत चकमा ने बताया, अब तक कुल 6 लोगों की मौत हुई है, वहीं 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मान्यताओं के अनुसार त्रिपुरा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के 1 सप्ताह बाद उल्टी रथ यात्रा निकलती है। इसमें भगवान के रथ को पीछे से खींचा जाता है, इसे घुरती रथ यात्रा कहा जाता है। इसमें रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा सवार रहती है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, मैं इस घटना से दुखी हूँ। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जो लोग 60% से ज्यादा जले हैं, उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं 40% से ज्यादा और 60% से कम झुलसे लोगों को 75,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद PMNRF से दी जाएगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।